ये देखें जी, अब हम लोग इनके बैक की कर रहे हैं स्किन पॉलिश, सर वाली तरफ की नहीं कर रहे अभी, क्योंकि वहाँ बाल ज़्यादा हार्ड हैं, शुगर से हो सकते थोड़े से रह जाएं, तो वहाँ पर मैं रिका वैक्स यूज़ करूँगी। ये देखें, जिस तरफ डायरेक्शन हो बालों की आपने उसकी डायरेक्शन में लगाना है, और अपोजिट साइड पे आपने उसको खींचना है। इस तरह से हम सारी वैक्स लगा लेंगे। ये देखें बिल्कुल क्लीन हो गई है। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ स्किन। ये देखें बाद की प्रॉब्लम से बेहतर है आप पहले ही बच्चियों की केयर कर लें, उनके रोने पीटने की ना ख्याल करें, क्योंकि बाद में फिर ज़्यादा मसला होता है। ये देखिए कितने बाल निकले हैं, सारे जैसे पूरा भर गया हो। ये रुआ है सारा इनका, पहले ये इनके बाल होते थे, पूरे जिस्म पे बाल थे। और जिनकी बच्चियों के रुएँ भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनकी भी करवा लें 2-3 दफ़ा, तो वो रुएँ भी ख़त्म हो जाएंगे। परमानेंटली जो रुआ बाद में निकलेगा मैच्योर होने के बाद, वो भी नहीं निकलेगा, साफ़ सुथरी घूमती रहेंगी। ये देखिए कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है इनकी स्किन। ये देखें, अब हम नीचे करेंगे बैक। हाँ जी, ये देखें, अब ये सारी वैक्स हो रही है। ये देखें, ये देखें जी, ये इधर हमने लगा देनी है। ये देखें, ये सारी इस तरह से हो जाएगी। बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दें ताकि वो ज़रा अपने में बिज़ी रहे, गेम शेम खेलता रहे। ये देखें, ये सारी नेक इनकी साफ़ हो गई है। इसी तरह हम इनकी पूरी बॉडी को साफ़ करेंगे। हमने लेग साफ़ कर दी हैं, इसी तरह आर्म साफ़ करेंगे, सारा इनका बॉडी साफ़ हो जाएगी। ठीक है जी, कोई चीज़ अच्छी लग जाए तो प्लीज़ पढ़ के कुछ हदिया कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।